इसने अपनी बेटी को गांव से बाहर शहर में भेजा पढ़ने के लिए, उसकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। और जब कोई औरत बिगड़ जाए तो वो सारी पुश्तों को कलंकित करके छोड़ जाती है। उसके कलंक का श्राप उसके सारे परिवार को, उसके सारे वंश को, उसके पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। ऐसी औरत को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तो उठाओ पत्थर और दो इस औरत को सजा। नहीं बेटा, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे। हम चाहते हैं पहला पत्थर हमें हमारे शौहर मारे। थैंक यू मीरा जी, सही समय पर आकर मदद करने के लिए। लेकिन आराम से समझाएं। तुम सिर्फ चुड़ैलों पर पत्थर मारते हो ना, तो इन सारी औरतों ने भी, जो तुम्हारी घर की औरतें हैं, इन्होंने भी मर्दों वाले काम करना शुरू कर दिया है। तो हम सब चुड़ैले हैं। मारो पत्थर। हाँ हाँ, मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर, मारो पत्थर। तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं, लेकिन ये कांस्टेबल पुष्पा सिंह। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के।
ये मीरा है, मीरा जी। जी जी मीरा जी। हाँ वही मीरा जी है, ये स्पेशल पुलिस, हमारे थाने परिवार का हिस्सा ही समझो। लेकिन ये बताएंगे ना, इत्मीनान से बैठेंगे और बताएंगे तुमको, ठीक है? लेकिन एक चीज तो कमाल है, हसीना बाजी यहाँ है नहीं और सब लोग हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि हसीना मलिक किसी का नाम नहीं बल्कि एक सोच है, और आज उसी सोच की जीत हुई है। बिल्कुल सही, वही सोच जो एक बेजान मशीन में भी जज्बात भर देती है। पकड़ो इनको। क्या बात है संतोष शर्मा, अब सिंगाड़े बहुत खाने लगी हैं क्या? हाँ, एकदम सही टाइम पर आए। मेरी टीम को मेरी जरूरत थी तो मैं कैसे नहीं आती। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम कहाँ हैं? साइबर सेल में काम करने के अपने फायदे हैं मालूम। पूरे डिपार्टमेंट में केस को लेके बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, और पता चला कि डिपार्टमेंट से मदद मांगने से भी आप लोगों ने इनकार कर दिया। तो मुझे लगा शायद ये देवलिया ब्रदर्स के पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से आप लोगों ने इनकार किया होगा, तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की तो वो भी नहीं हो पाया। इवेंचुअली मुझे आप लोगों की लोकेशन ट्रेस करनी पड़ी और पता चला कि आप यहाँ पर है देवलपार में। बहुत बढ़िया संधू, तुमने एक नंबर काम किया। तुम इंटेलिजेंट और मासूमियत का एकदम अनोखा संगम हो। बिल्कुल हो, लेकिन एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। देवलपार पॉलिटिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट गाँव है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी आज तक वहाँ के किसी भी MLA ने एक पुलिस स्टेशन नहीं खोला। वहाँ यहाँ आने से पहले इस एरिया के बारे में और देवलपार गाँव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए मालूम सा।
ऑफ रिकॉर्ड यहाँ का एमएलए भी अपने वोट बैंक के लिए देवलिया ब्रदर्स के लीगल और इलीगल चीजों में सपोर्ट करता है, और ये पावर का ये देवलिया ब्रदर्स बहुत फायदा उठाते हैं। कोई कहने सुनने को कुछ नहीं है ना, और कानून का भी वो बहुत मजाक बनाते हैं, जो चाहे जी में वो कर लेते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ का लोकल एमएलए जो है ये देवलिया ब्रदर्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है आज। देखिए, हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता होती है हमारे शत्रुवासियों को प्रॉपर सुरक्षा, टोटल अपराध मुक्त समाज। क्या सच में आप ऐसा चाहते हैं? अपराध मुक्त समाज आप कह रहे हैं, जिन्होंने खुद गुंडों को पाल रखा है, इस तरह बनाएंगे आप एक अपराध मुक्त समाज? ये पिछड़ी सोच के जंगली लोग जो आज भी उस सड़ी गली परंपरा का बोझ ढो रहे हैं, ना खुद बदल रहे हैं ना देश को बदलने दे रहे हैं। उसी दकियान उसी सोच को इन्होंने पकड़ के रखा है, जहां औरतों को पैर की जुत्ती के अलावा और कुछ नहीं समझा जाता है। अगर आपको सच में अपने लोगों की थोड़ी सी परवाह होती, अपने चुनाव क्षेत्र की परवाह होती, समाज की परवाह होती, तो आप यहाँ पर एक पुलिस थाना खुलवा चुके होते, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और गुड्डू और बबलू जैसे घटिया गुंडों को अपनी मनमानी करने की हिम्मत ना मिले। हिम्मत है तो बोली, आज इस मीडिया के माध्यम से आप सबके सामने ये ऐलान कीजिए कि आप यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन खुलवाएंगे। अगर नहीं खुलवाएंगे तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। नहीं सर, वो आप सबकी इतनी परवाह करते हैं ना, सबको सेफ फील कराना चाहते हैं, तो आप कीजिए ना ऐलान। अरे हमें भी बोलने दीजिए ना। हम भी तो यही कहने जा रहे थे कि आज ही हम हाई अथॉरिटी से मिलकर हमारे इस क्षेत्र में नया थाना सैंक्शन करवाते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ बहुत बड़ा थाना और सभी सुविधा युक्त खुलेगा, और हमारे क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर लागू होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला चुनाव लड़ना तो छोड़िए, हम अभी के अभी एमएलए के पद से इस्तीफा दे देंगे। ये क्या बोल दिया सर आप? ये महिला थाना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, इन्हें इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। इन्हें बताना होगा कि जब जूता काटने पर आता है तो कैसे छील कर रख देता है। थैंक यू, बहुत छोटा शब्द है आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, तुम बाजी ही कहो, तुम्हारे मुंह से बाजी सुन के अच्छा लगता है। और सच कहें तो हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से थोड़ा सा ही सही हम उस दकियानुसी सोच को बदल पाए, औरतों को उस जकड़ी बेड़ियों से निकाल पाए जिनमें वो न जाने कितनी सदियों से अटकी हैं। सो थैंक यू। तजुर्बा कहता है हमारा कि हथौड़ा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, जेवर बनाने के लिए सोनार की छोटी सी छेनी ही काम आती है, और तुम हो वो प्यारी सी छोटी सी छेनी जिसकी कोशिश की वजह से, जिसकी शुरुआत की वजह से आगे चलकर तुम्हारे जैसे बहुत सारे बेशकीमती जेवर बनेंगे, और तब जाकर हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा सोने की चिड़िया। बाजी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलते हैं। तुमने इस लड़ाई में हमारा बहुत साथ दिया, उसके लिए शुक्रिया। कैसे ना देती जज्बातों वाली बाई, कहा था ना मैंने, मेरी जान तेरी कर्जदार रहेगी हमेशा। अगर कभी तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी ना,
तो वो भी दे दूंगी खुशी खुशी। बस हमारी लड़ाई तो वैसे भी एक ही थी, जिसके वजह से ये शिवानी पवार शिवानी ताई बन गई थी, तो फिर कैसे ना देती तेरा साथ। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो तेरे केस की पूरी पढ़ाई करके आई थी, जिस तरीके से तूने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाकर अपने सीनियर्स की बात ना मानकर ये केस को लड़ा है ना, मुझे तो पूरा भरोसा था कि तेरे अगेंस्ट कोई ना कोई लीगल एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। लेकिन तुझे तो प्रमोशन दिया जा रहा है, अब हुए ना हमें एक साइड पर। बिल्कुल। बिल्लू चंपत। हाँ मैडम सर। तुमने आज ये साबित कर दिया है कि अगर देश के लिए कुछ करना हो, सोसाइटी के लिए, कानून के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, एक सच्चे हिंदुस्तानी का जज्बा होना चाहिए। और आज तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस बच्ची की जान बचाकर इस जज्बे को साबित कर दिया है, और इस सच्चे जज्बे के लिए ये तो बनता है। बेटे देवल पार के इस बहुचर्चित मामले के बाद, जहां हसीना मलिक और उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने जिस साहस और बहादुरी से काम लिया है, उसे देखते हुए सीएम साहब के इमीडिएट ऑर्डर पर हसीना मलिक को बहुत जल्द डीएसपी के पद पर प्रमोट किया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लगा मैम आपको ये प्रमोशन की खबर सुनकर? जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कोई भी जीत कभी किसी अकेले की नहीं होती, उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है, मेहनत होती है, डेडिकेशन होता है। There's always a team, जैसे कि हमेशा हमारे साथ रही है हमारी ये टीम, बहुत ही होनहार और काबिल लोगों की टीम। तो टेक्निकली ये प्रमोशन और ये जीत हम सब की जीत है। हमें बहुत खुशी है कि अब हम सब एक नई शुरुआत करेंगे और इस सच की लड़ाई को जारी रखेंगे। और उस लड़ाई का क्या जो आप अभी लड़कर आ रही हैं? क्या आपके इस कदम के बाद हम कुछ बदलाव देख सकते हैं? देखिए, देवल पार के इस संस्करण के बाद विभाग ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया है। देवल पार के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांव में कहीं किसी एक जगह पर थाना स्थापित किया जाएगा और वहीं से पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। तो हम विश्वास दिलाते हैं देवल पार के क्षेत्र के सभी रहवासियों को कि वहां पर अब कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होगी, अब कोई अराजकता नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ, किसी ने करने की कोशिश की, तो ऐसे अपराधी को उठा के सीधे सीधे जेल में ठूस दिया जाएगा। और ये सब संभव हो पाया है हसीना मलिक जी के कारण। हमें और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आप पर और आपकी टीम पर गर्व है। मैडम जी, हम सबकी तरफ से ये एक छोटा सा तोहफा आपके पूरी टीम के लिए और आपके लिए। थैंक यू। और ये सब भी आपके लिए तोहफे लाए हैं। जो सारी औरतों के लिए किया है उसके लिए ये तो बनता है। मैडम सर, इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नहीं करिश्मा सिंह, ये हमारा नहीं, हम सब का सम्मान है। ये
ये क्या है? हमको लगता है कि मैडम सर का कोई प्रशंसक भेजा होगा। अच्छा खोलिए। महिला पुलिस थाने में हुआ बम ब्लास्ट। किसी के भी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं। महिला थाने में हुए ब्लास्ट धमाके से पूरे शहर में दहशत का माहौल बन चुका है। बहुत बड़ा सवाल है। पता नहीं आप इस बात से कितना अग्री करेंगे, पर हमारा तजुर्बा तो यही कहता है कि बहुत बड़ी ताकत है ये जज्बात। इसी सोच के साथ ये लड़ाई शुरू की थी कि मुजरिम नहीं जुर्म खत्म करेंगे। पता नहीं कितनी बार टूटे, बिखरे, हारे, जख्मी हुए, पर हौसला नहीं छोड़ा, उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद जहां एक दिन किसी की पहचान उसकी औरत या मर्द होने से जज नहीं की जाएगी, जब आधी रात को सुनसान सड़क पर एक लड़की बेखौफ होकर कहीं भी निकल पड़ेगी, उस दिन हमें लगेगा हमने ये लड़ाई जीत ली। लेकिन तब तक तो ये लड़ाई यूं ही बदस्तूर जारी रहेगी। कोई ना कोई हसीना मलिक किसी ना किसी रास्ते पर यूं ही अपनी जज्बात की सोच लिए आपका इंतजार करती मिल ही जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.